नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। मैच में भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में पूरी तरह विफल दिखी, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका ने 1-1 से सीरीज में बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि सीरीज का तीसरा वनडे गुरुवार को पार्ल में खेला जाएगा। मंगलवार को हुए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को कम स्कोर पर फाइट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। टीम की कमान ओपनर टोनी डी जॉर्जी ने संभाली। उन्होंने केवल अपने चौथे वनडे मुकाबले में पहला शतक जमाया। टोनी डी जॉर्जी ने रीजा हेड्रिक्स के साथ मिलकर 130 रन की साझेदारी की। 26 साल के जॉर्जी ने नाबाद 119 रन बनाए। रीजा हेड्रिक्स ने 52 रन की पारी खेली। रीजा हेड्रिक्स का ये करियर का 7वां अर्धशतक था। आपको बता दें कि भारत की ओर से ओपनर साई सुदर्शन ने 62 और कप्तान केएल राहुल ने 56 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। राहुल ने अपनी पारी के दौरान इस साल 1000 वनडे रन पूरे किए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।